हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नीट नाउ। फिजिक्स की 100 लॉन्ग सीरीज के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। अब आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का चौथा पार्ट। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको ये कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट हैविंग द स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ। हमको ये ग्राफ दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का और यहाँ पे है हमारा टाइम, ठीक है, और हमसे कहा गया है कौन से ऑप्शन इसमें से करेक्ट हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, द ऑब्जेक्ट मूव्स विद द कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी फ्रॉम 0 to A। 0 to A की बीच में स्लोप आपको सेम दिख रही है, इस पॉइंट पे भी सेम स्लोप है, इस पॉइंट पे भी सेम स्लोप है, तो आपकी जो यहाँ पे वेलोसिटी है इंक्रीज तो नहीं कर रही है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। पहला ऑप्शन गलत है तो इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया आपका, क्योंकि बॉडी कई जगह कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है मगर पॉइंट्स पे हो रही है, ठीक है, तो थ्रू आउट नहीं है, यूनिफॉर्मली नहीं है, तो ये भी गलत हो गया आपका। एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, ये ऑप्शन देखते हैं हम लोग। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वी एवरेज क्या होती है, इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट बॉडी जीरो से स्टार्ट हुई और जीरो पे ही आ गई दोबारा, ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो से स्टार्ट हो गया, जीरो पे ही अगर पहुंच गया तो आपकी बॉडी का ये कितना हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये ऑप्शन आपका सही है। द ग्राफ शोन इज इम्पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, क्या प्रॉब्लम है इस ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, बस इसका आपका एक्स की जगह वाई कर दिया, वाई की जगह एक्स कर दिया, और क्या प्रॉब्लम है, एकदम सही है, ये भी सही ऑप्शन है, ये भी आपका गलत ऑप्शन हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज, ठीक है। अब देखिए, अगर ये पॉइंट हमारा ए है और ये हमारा पॉइंट हो गया बी, अगर आपको कहा जाए कि ये आपका पाथ हो गया सी, ये हो गया आपका डी, आप ए सी बी से जाइए, ए डी सी से जाइए, या सीधे ए से बी चले जाइए, तीनों ही केसेस में डिस्प्लेसमेंट आपका ए बी के बराबर ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्टेंस कवर्ड हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या बराबर होगा, तो यानी हमसे कहा गया डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस निकालना है हमको। मैंने भी क्या कहा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बराबर होगा या फिर ज्यादा होगा, तो बराबर होने पे वन हो सकता है और ज्यादा होने पे आपका लेस देन वन हो सकता है, तो लेस देन वन नहीं, इक्वल टू वन नहीं, इक्वल टू और लेस देन वन, ये आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका, मतलब मैंने बताया आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, न्यूमरेटर अगर आपका ज्यादा होगा तो आपकी वैल्यू हमेशा वन से कम होगी, तो आपका सही है, ये भी गलत है आपका, ठीक है। इस सवाल में हमको कहा गया है कि 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर इज। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करना, 1 किलोमीटर किसके बराबर होगा आपका, 1000 मीटर्स के बराबर होगा, ठीक है। अगर ये ब्रिज हमारा ए और बी, ये हमारा 1000 मीटर्स के बराबर है, तो इसको जब ट्रेन क्रॉस कर जाएगी तो उसका आखिरी डिब्बा को भी क्रॉस करना ज़रूरी है, तो यानी 100 मीटर इसमें हम और जोड़ेंगे, तो यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा आपका, 1100 मीटर्स, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 45 मीटर किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किसी भी किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जाएगा आपका 2 से, ये जाएगा आपका 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 12.5 मीटर पर सेकंड। अब हमको क्या करना है, हमको सिंपली निकालना है कि टाइम कितना लेता है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1100 अपॉन 12.5, ठीक है। इसको आप सब सॉल्व करेंगे तो आपका 88 सेकंड्स आएगा, तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अ पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकंड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड एंड देन वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड फॉर अनदर 20 सेकंड्स
एंड फाइनली मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड फॉर द नेक्स्ट 20 सेकंड्स. व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल? वेलोसिटी एवरेज किसके बराबर होती है? टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस टोटल अपॉन टाइम टोटल. ठीक है, टाइम टोटल कितना है? तीन बार ये 20-20 सेकंड गया, तो टाइम टोटल तो हमको पता है. टाइम टोटल हमको पता है कितना है, 20 + 20 + 20 = 60 सेकंड्स. ठीक है, डिस्टेंस हमको नहीं पता है. डिस्टेंस किसके बराबर होता है? डिस्टेंस होता है आपका वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है, पहली बार जब वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला तो d1 कितना हो जाएगा? d1 विल बी इक्वल टू 3 × 20 = 60. ठीक है, d2 किसके बराबर हो जाएगा? d2 विल बी इक्वल टू 4 × 20, दिस विल बी इक्वल टू 80. और d3 किसके बराबर हो जाएगा? 5 × 20, दिस इक्वल्स टू 500. अब इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे, d1, d2, d3 को, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा. तो दिस विल बी इक्वल टू 60 + 80 + 100, कितना हो गया आपका? दिस इक्वल्स टू 240. ठीक है, 240 मीटर्स हमको पता है, 240 मीटर्स है. टाइम है हमारा 60 सेकंड, तो हमारा क्या हो जाएगा? इन दोनों को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 240 / 60. दिस विल कम्स आउट टू बी 4 m/s. तो हमारा ये ऑप्शन इज करेक्ट है. अब हम आते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ को. द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरी हैज जीरो एक्सेलरेशन. ठीक है, देखिए ये ऑप्शन आपका सही है. कैसे है मैं बताता हूँ आपको. मान लीजिए एक बॉडी है जो यहाँ पे वी वेलोसिटी से चल रही है, उसके ऊपर हमने एक एक्सेलरेशन लगा दिया ए उल्टी डायरेक्शन में, तो क्या होगा? ये आपकी वी लगातार कम होती जाएगी. एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी और एक्सेलरेशन उस पर लग रहा होगा. तो यहाँ पे यही किया गया है, अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी जो अब ये हो गई है विल नॉट नेसेसरी है जीरो एक्सेलरेशन, जरूरी नहीं है जीरो एक्सेलरेशन हो. तो यानी ये आपका ऑप्शन सही है. अब अगर ऑप्शन ए सही है तो ऑप्शन बी तो गलत होना ही है आपका. तीसरा ऑप्शन देखते हैं, अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन ओनली हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन ओनली हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. देखिए आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो आपकी बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म रह ही नहीं सकती है. आपके अगर एक्सेलरेशन लग रहा है तो आपकी उसकी वेलोसिटी या स्पीड चेंज होगी, तो ये भी आपका गलत है. अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल हैव जीरो एक्सेलरेशन. अब देखिए ये ऑप्शन क्यों गलत है. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी चेंज कब होगी? अगर उस पर कोई एक्सेलरेशन लग रहा होगा तभी होगा, तभी उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, वरना उसकी वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं सकती अगर उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा होगा. तो इसलिए आपका ये ऑप्शन भी गलत है. तो हमारा इसमें क्या ऑप्शन सही है? ए. ठीक है, तो आज हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन अपने एंड कर रहे हैं. मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेट के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए. कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा.